हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुछ मीठा ट्राई करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं विंटर स्पेशल बंगाली चुशी पीठे रेसिपी। पहले एक कप पानी डालेंगे कढ़ाई में और बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तो पानी यहाँ पे ऑलरेडी बॉईल हो चुका है, तो अब इसमें ऐड करेंगे एक कप चावल का आटा। अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक ना ये डो की तरह शेप ले ले। प्रोसेस अप्लाई करने से डो बहुत ही सॉफ्ट होता है। हमारा डो जो है रेडी हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे और एक वेट टॉवल से इसको ढक देंगे, नहीं तो ये बहुत ही हार्ड हो जाएगा। अब चलते हैं मेन प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डो लिया है, थोड़ा सा हाथों से मसल लेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैदा छिड़क रही हूँ। अब डो से छोटा सा एक बॉल लेंगे, ऐसे करके हाथों को थोड़ा सा प्रेस करते हुए चुशी पीठा को बनाएंगे। और एक प्रोसेस फॉलो कीजिए, बहुत ही इजी है, एक दो बार ट्राई करने से ही हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इंटरेस्ट है तो ही आप बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा बना लिया है। अब चलते हैं सेकेंड प्रोसेस पे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मिल्क लिया है, इसको अच्छी तरह से बॉयल करेंगे और थोड़ा सा घना भी करेंगे। चम्मच को हिलाते जाना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाए। सो यहाँ पे दूध जो है ऑलरेडी गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे चुशी। हिला देंगे अच्छी तरह से और 10-12 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे। ये खाने में ना जस्ट ऑसम होता है, विंटर के सुबह और ये बंगाली डिश जस्ट ऑसम। तो ये बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जैगरी यानी कि गुड़। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मिला लेंगे अच्छी तरह से और 10-12 मिनट तक फिर से पका लेंगे। तो लीजिए, हमारा बंगाली स्टाइल चुशी पीठा रेडी हो चुका है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए नेक्स्ट डे सुबह को, टेस्ट और भी बढ़ जाता है।